तो इसे पेस्ट करते हैं अब। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज प्रगति वर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्लस ट्राई करने वाली हूँ कुछ ऐसे लाइफ हैक जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। क्या आपको अपना चश्मा अपने फोरहेड पे रखना है लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने फोरहेड पे ही एक हुक चिपका लो जिससे आप अपना चश्मा वहाँ पे रख सकते हो। ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। स्टेप नंबर वन, अपने दरवाजे में लगे हुक को खोलें। कैसे खोलना है गाइज, ऐसे काम करते वक्त ध्यान देना है कि आपके घर वाले आपको ना देखें, नहीं तो आप घर से बाहर भी हो सकते हैं, तो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। तो इस हुक को अब हमें लेना है और अपने सर पे चिपका लेना है ताकि हम अपना चश्मा इस पे आसानी से टिका सकें। चश्मा टिके या ना टिके, मेरा ये हुक कैसे टिकेगा पहली बात। 2000 years later. गॉड, मेरी आंखें चश्मा लगा लगा के थक गई है गाइस। अब इस चश्मे को मैं कहाँ रखूँ? अगर मैं इसे अपने फोरहेड पे रखूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरी आंख और फोरहेड के बीच में कितना डिस्टेंस है। एक काम करती हूँ, इस हुक पे रख देती हूँ। इतना वाहियात है, कहाँ से लाते हो? मतलब ये कोई है क्या? इस पे कोई कपड़ा रख दे, चाबी रख दे, मतलब मुझे उठा के तुम लोग दरवाजे पे चिपका दो। ये आप अपने सर पे लगा के इस पे चाबी टांग सकते हैं, आप इस पे अपने कपड़े टांग सकते हो। निशान बन गए। ये देखो, इसका गिफ्ट मिला है मुझे, ये हैंगर अपने सर पे लगाने का। देख लो, देख लो। क्या आपके पास है बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा स्टफ टॉय जो आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा अगर उन्हें ये गिफ्ट मिलेगा, तो उसके अंदर की स्टफिंग्स निकाल लो। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक फोन केस में जो देखने में बहुत ही वाहियात लगेगा। तो गाइज, मेरे पास एक न्यू फोन है, तो चलो उसके लिए एक न्यू फोन केस बनाते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। सर्जरी स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा सिजर। ओले 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 ओले, पीछे घूम जा। गाइस, इसकी चमड़ी मैंने पूरी की पूरी उधार दी है, अब इसकी रूह को हम लोग निकालेंगे कुछ ऐसे ऐसे। हमारा कस्टमाइज्ड फोन केस रेडी है। ए बच्चे दूर जा, ये मेरा इतना महंगा फोन है, तो नजर मत डाल छोटे से टेडी बेयर के लिए। अब मैं अपने इन हाथों से इसका अंतिम संस्कार करूंगी और इसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। क्या आपको रिमूव करने हैं कुछ ब्रेड क्रम्स जो आपने अपने कप होल्डर में गलती से स्प्रिंकल कर दिए हैं? तो एक स्पंज या फिर वैक्यूम यूज करने की जगह एक कप पे एक सॉक को रैप कर दो, क्योंकि सॉक के पास होती है मैजिक ब्रेड अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो सारे ब्रेड क्रम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये इतना वाहियात है कि मुझे ट्राई करने का भी मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, आपको अपने मैगी का पैकेट लेना है, ब्लैक मार्कर से उसके ऊपर स्क्रिबल करना है और जब उसे आप पेपर पे प्रेस करोगे तो भाई साहब आपके सामने चाइनीज लिखा हुआ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ये हैक बिल्कुल भी काम करेगा, बट ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो गाइस, ये रही मेरी मैगी और अब इससे लिखने वाली हूँ मैं चाइनीज। मतलब अगर आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो चाइनीज सीखने की तो मत करो, क्योंकि आप मैगी से चाइनीज लिख सकते हो। ओके, तो हमें इसे अपने मैगी पे ऐसे कुछ स्क्रिबल करना है। गाइस, क्या लगता है ये हैक होगा कि नहीं होगा आपको? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। ओके, तो मार्कर ने अपना काम कर लिया है, अब जो करेगी हमारी मैगी करेगी, तो एक तरीके से ये हमारा स्टैम्प है। ओके, सो 1 2 3, इसे हम प्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एंड लगता है भाई, यार मुझे लग ही रहा था कि यह
हैक बिल्कुल फेल होगा। नहीं मतलब एक दो प्रिंट आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इतना भी। चाइना सी ये लिखा है ए, ये लिखा है बी। किसी को चाइनीज समझ में आती है तो जरा मुझे कमेंट करके बताना ये क्या लिखा है। तो गाइस अब इसका ऊपर का मैं ब्लैक नूडल बनाऊंगी एंड इसका बनाऊंगी मैं व्हाइट नूडल एंड इसे खाएंगे हम। नॉर्मली चाय पीना आपके लिए बहुत बोरिंग है तो क्यों ना इसे थोड़ा सा डेंजरस बनाया जाए। अपने कप पे एक गोट को ग्लू करके जो कि कभी भी उस कप से नीचे गिर सकता है और आपके ऊपर पूरी चाय गिर सकती है। प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा मग है वो बहुत हॉट है जिससे वो पकड़ नहीं पा रही है और इन्हें ये नहीं पता कि मैक्सिमम जो कप्स आते हैं उसमें ऑलरेडी हैंडल अटैच्ड होते हैं, लेकिन नहीं इन्हें तो कप के ऊपर गोट चिपकाना है। और तो और वो गोट ग्लू हो जाने के बाद भी वो लड़की उस कप को टच कर रही है अपने इन हाथों से, तो उस गोट का फायदा क्या मेरी बहन है? नहीं बताओ मुझे। मेरे पास जितने भी कप्स हैं उनके पास पहले से हैंडल हैं तो मैं यूज करने वाली हूँ ये ग्लास और उस पे पेस्ट करने वाली हूँ मैं ये डियर। नाइस पिक डियर। ओके तो इसे पेस्ट करते हैं अब। गाइस टेंशन मत लो, मैं यार हमेशा ओ नो में गलत ही नहीं होगा, पहले से मैंने यहाँ पे कुछ रखा है क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये ग्लास यूज करूंगी तो कुछ ऐसे ही होगा, तो मैं एक पेपर के कप पे इसे पेस्ट करने वाली हूँ। तो गाइस मेरा ये कस्टमाइज्ड डियर कप बिल्कुल रेडी है, तो मुझे जब भी नेचर की याद आएगी तो मैं इस डियर वाले कप में पानी पीऊंगी। लेकिन गाइस ज्यादा पानी मत पी लेना आप इस डियर वाले कप में, नहीं तो नेचर की कॉल आ जाएगी आपको, ठीक है? तो नेचर की याद जब भी सताए इस घटिया हैक को अपनाएं। बस डायरेक्टली इसे पकड़ना है और काफी अच्छा है कि ये अब इसे तुरंत निकाल भी सकते हैं, तुरंत लगा भी सकते हैं। वाह 5 मिनट का, 5 मिनट में उखाड़े, सॉरी 5 सेकंड में उखाड़े, 5 सेकंड में जोड़े एंड एंजॉय। क्या आपको चाहिए एक वाटरप्रूफ टी शर्ट? तो एक वाटरप्रूफ टी शर्ट खरीद लो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा 5 मिनट क्राफ्ट वालों ने हैक दिया है। मतलब कुछ हैक्स में तो ये बस बता देते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो और वो एक हैक हो गया। वाओ इसी बात तो गाइस बहुत बेइज्जती कर ली आज मैंने 5 मिनट क्राफ्ट वालों की और ये देखो पीछे भी क्या हो रखा है। So, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज। तो गाइज आज के लिए कुछ यही डम हैक्स मेरे पास है जो मैंने देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और प्लीज इन हैक्स को घर पे मत ट्राई करना प्लीज, मैंने आपके लिए ट्राई कर लिया है वो काफी है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है बाय। जैसे हमारी रूह निकलती है वैक्सीन कराने के बाद। Oh, oh, oh.